हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 22वां दिन, और आज के दिन मैं आपकी उल्टी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उल्टी प्रैक्टिस मतलब पहले मैं क्या करता था कि हिंदी बोलता था, आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने होते थे, मैं आपकी इस तरह से टेंस प्रैक्टिस करवाता था। आज मामला उल्टा है, आज मैं इंग्लिश बोलूंगा, आपको उसकी हिंदी बनानी है। इससे भी आपकी अच्छी टेंस प्रैक्टिस होगी और आपको समझ में आएगा ओहो ये वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा। फिलहाल आज मैं आपसे 12 टेंसेस के ऊपर, इसके अलावा कुछ मॉडल्स कराए जैसे कैन और मे कराया है कल ही, इसके अलावा हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू कराया है, और इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, और विल बी टू कराया है। तो भैया इन सब पे पूछूंगा, मतलब पूछूंगा वही जो अब तक की पिछली क्लासेस में कराया, फालतू कुछ नहीं। चलो फिर बिना देर की शुरुआत करते हैं, इधर दिखाई देने वाले हैं। मैं पहले सेटअप बोल लेता हूं। हां जी, स्टूडियो स्टूडियो सब सेट है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। शी डज नॉट गो, बताओ इसकी हिंदी क्या होगी। शी डज नॉट गो, सोच लो, डज है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। बस शी डज नॉट गो की हिंदी होगी वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती है, क्योंकि इसमें डज आ रहा है तो ये ताहे ती है वाला टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट। अगला, आई डिड नॉट हियर, आई डिड नॉट हियर, डिड सोचो वही वाला टेंस, आ ई ए की आवाज आती है, आई डिड नॉट हियर। तो भाई इसकी हिंदी है मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। अगला, वाज शी डांसिंग यस्टरडे, वाज शी डांसिंग यस्टरडे, बनाओ इसमें वाज पहले है, हेल्पिंग और पहले, ध्यान रखना, वाज शी डांसिंग यस्टरडे, क्या हो सकता है, वाज शी डांसिंग यस्टरडे। तो इसका आंसर है क्या वह कल नाच रही थी, क्या वह कल नाच रही थी, क्योंकि वाज पहले आ गया, हेल्पिंग और पहले आ गई, तो क्या वाला तो बनना ही है, ये इंटरोगेटिव हो गया, और वाज आ गया इसलिए राहत रही थी वाला हो गया, और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। अगला, यू हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन, बनाओ यू हैड नॉट गॉन, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है भैया, ये वाला टेंस मुझे बड़ा खतरनाक लगता है, यू हैड नॉट गॉन। तो इसका जवाब है तुम नहीं जा चुके थे या तुम नहीं गए थे, तुम नहीं जा चुके थे या तुम नहीं गए थे, क्योंकि हैड पास्ट का परफेक्ट टेंस है जिसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे होती है। अगला वाला, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1990, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1990, बनाओ शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 1990। इसका सही जवाब है वह यहां 1990 से काम कर रही है, वह यहां 1990 से काम कर रही है। अगला वाला है, वर यू फ्लाइंग काइट, वर यू फ्लाइंग काइट, वो बनाओ, वाज वर वाला आ गया, अच्छा ठीक है जी, वर यू फ्लाइंग काइट, बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी, माइक को एक सेट कर लेता हूं, ठीक है साहब। तो इसका आंसर है क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे, क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि वर पहले आ गया, जब हेल्पिंग और पहले आ जाए तो क्या वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और वर वाज वर राहत रही थी मैं, तो क्या तुम पतंग उड़ा रहे थे। अगला वाला है, शी विल बी कमिंग, शी विल बी कमिंग, विल बी खाली विल नहीं है, विल के साथ बी है, बताओ शी विल बी कमिंग, सोचते बहुत हो यार, टिक लगा खड़े हो जाए थोड़ा, शी विल बी कमिंग, बनाओ। तो इसका सही जवाब है वह आ रही होगी, वह आ रही होगी, रहा होगा, रही होगी, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यू, हाँ वही वाला, चलो बनाओ, राम विल हैव फ्लॉन द काइट, राम विल हैव फ्लॉन द काइट, राम विल हैव फ्लॉन द काइट, बनाओ 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 जल्दी से, राम विल हैव फ्लॉन द काइट, फ्लाई की थर्ड फॉर्म। इसका सही जवाब है राम पतंग उड़ा चुका होगा, या राम ने पतंग उड़ा ली होगी, क्योंकि विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होगे, पढ़ाया है आपको। अगला वाला है, फादर कम्स लेट, फादर कम्स लेट, फादर कम्स लेट, बनाओ फादर कम्स लेट,
कब में एस लग रहा है, कौन सा टेंस? ओह प्रेजेंट डेफिनेट। तो इसका सही जवाब है पिताजी देरी से आते हैं या पिताजी लेट आते हैं। पिताजी लेट आते हैं, ये ताहे तीहे में बनेगा क्योंकि कम्स एस कौन से टेंस में लगता है, प्रेजेंट डेफिनेट में। एक और बनाते हैं, जैसे बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। अब आपको लगेगा ये बर्ड फ्लू सा हो गया है, बनाइए बर्ड फ्लू। तो इसका सही जवाब है चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी। फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू, और बर्ड तो चिड़िया पक्षी, बर्ड फ्लू। एक और बनाते हैं, जैसे यू विल नॉट गो, ये तो बहुत आसान सा यार, यू विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, बनाओ यू विल नॉट गो, विल खाली फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो इसका सही जवाब है तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे, खाली गे, क्योंकि विल वाले में या शैल वाले में जिसमें खाली विल या शैल हो, विल बी शैल बी या विल हैव शैल हैव, नहीं खाली विल या शैल हो, गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला वाला है इज शी टू कम, इज शी टू कम। कुछ लोग इसे इज शी अबाउट टू कम भी बोल देते हैं, अबाउट लगाओ ना लगाओ मतलब एक ही मतलब निकलेगा। इज शी टू कम, बनाइए। क्या बना रहे हो, इज शी टू कम? तो इसका सही जवाब होगा क्या वह आने वाली है, क्या वह आने वाली है। एक और बनाते हैं, जैसे यू विल नॉट हैव टू गो, यू विल नॉट हैव टू गो। ये पढ़ाया था आपको, विल हैव टू, हैज टू, हैव टू, यू विल नॉट हैव टू गो। और इसकी हिंदी होगी, हिंदी होगी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं ना, इसकी हिंदी होगी तुम्हें नहीं जाना होगा या तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि विल हैव टू, शैल हैव टू में बताया था मैंने आपको, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। तो यू विल नॉट हैव टू गो, तुम्हें नहीं जाना होगा या तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। अगला वाला बनाते हैं, शी हैज नॉट टू कुक द फूड, शी हैज नॉट टू कुक द फूड, बनाइए। शी हैज नॉट टू कुक द फूड, has not to, यानी भी ये भी has to, have to वाला है। इसका आंसर होगा उसे खाना नहीं बनाना है या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि जहां has to, have to आता है वहां ना है, नहीं है, नहीं है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वाला होता है। तो ये not लग गया, बट नहीं आ गया इसमें। So she has not to cook the food, उसे खाना नहीं बनाना है या नहीं बनाना पड़ता है। अगला वाला है, has she gone, has she gone, इसमें खाली हैज है और गो की थर्ड फॉर्म, बनाइए। हैज शी गॉन। और इसका सही जवाब होगा क्या वह जा चुकी है या क्या वह चली गई है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और बनाए तो गलत है। क्या वह जा चुकी है, क्योंकि हैज वाला है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या वह क्या वह चली गई है, आए ये ए, आपको सिखाया है। अगला वाला, He drank water. He drank water. Drink की second form. He drank water. कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें second form आती है? सोचो, उसी की पहचान के आधार पर बनाओ। He drank water. तो इसका सही जवाब है उसने पानी पिया, उसने पानी पिया। आ की आवाज आ रही, past indefinite tense था ये, second form वाला। अगला वाला, Does he drink water? Does he drink water? Does he drink water? बनाइए। इसमें does पहले आ रहा है, वही drink, वही water जो पहले sentence में था। तो भाई इसका सही जवाब है क्या वह पानी पीता है, क्या वह पानी पीता है। अब आपने क्या उसने पानी पिया बना दिया तो गलत है, क्या वह पानी पीता है, क्योंकि यह does में आ गया, ताहे तीहे में आ गया। एक और बनाते हैं, जैसे मुझे कहना है विल शी बी वॉचिंग द मूवी, विल शी बी वॉचिंग द मूवी, विल पहले आ गया, क्या वाला आई है ध्यान से बनाना, विल शी बी वॉचिंग द मूवी, विल के साथ बी भी है, ओके, विल शी बी वॉचिंग द मूवी, बनाओ।
तो भाई इसका आंसर होगा क्या वह फिल्म देख रही होगी, क्या वह फिल्म देख रही होगी, विल शी बी वॉचिंग द मूवी। अगर आपने बनाया क्या वह फिल्म देखेगी तो गलत है, क्योंकि इसमें बी आ रहा है, उसमें बी नहीं आएगा, विल शी वॉच द मूवी, वो ऐसे होगा, ये विल शी बी वॉचिंग द मूवी है, इसमें आईएनजी भी लग रहा है भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। नेक्स्ट वाला बनाते हैं, हैड यू सीन द ताज महल, हैड यू सीन द ताज महल, बनाओ, हैड पहले आ रहा है, हैड यू सीन द ताज महल, तो भाई बना लिया होगा, हैड यू सीन द ताज महल का आंसर होगा क्या तुम ताजमहल देख चुके थे या क्या तुमने ताजमहल देख लिया था। अगर आपने लास्ट में था थी थे नहीं लगाया गलत है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जब ही बनेगा ना, चुका था चुके थे चुके थे या था ही थे। अगला बनाते हैं, जैसे she has to say something, हेज बोल रहा हूं बताओ मैं, she has to say something something मतलब कुछ, से मतलब कहना, she has to say something, बनाओ। तो भाई इसका आंसर होगा उसे कुछ कहना है, she लड़की है, उसे has to, ना है नी है ने है, या पढ़ता है पढ़ती है पढ़ता है, उसे कुछ कहना पड़ता है, ये भी हो जाएगा। तो she has to say something, उसे कुछ कहना है, has to, have to, ना है नी है ने है, say something कुछ कहना है। अगला वाला बनाते हैं, mother cooks delicious food बनाओ, mother cooks delicious food, तो भाई इसका आंसर होगा माताजी स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं, बनाती हैं, एक ही बात है, माताजी स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं या बनाती हैं, ती है, प्रेजेंट डेफिनेट में जाएगा। अगला वाला सेंटेंस लेते हैं, जैसे he will not be playing cricket बनाओ। ओह ये फिर से विल बी वाला आ गया, पहले फंस गए थे हम, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा तो भाई साहब इसका आंसर होगा वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सिंपल। एक और बनाते हैं, जैसे इज शी रीडिंग द न्यूज़पेपर बनाओ, इज शी रीडिंग द न्यूज़पेपर बनाओ। तो गाइज इसका आंसर होगा क्या वह अखबार पढ़ रही है, इजमार रहा है, रही है वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो भैया खत्म हो गए, हमारी स्क्रीन में भी मैं देखते देखते थक गया अपनी। आज की क्लास में मैंने इतनी प्रैक्टिस कराई, मुझे एक चीज आपसे जाननी है कि आप चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस लंबी हो, क्योंकि मैं, मुझे लगता है कहीं आपको बोर ना करती हो, बट यकीन मानिए बेस्ट प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं अपनी क्लास में बहुत जल्दी जल्दी करवाता हूँ ये, क्योंकि ये वीडियो क्लास है तो यूट्यूब क्लास है तो ज़्यादा डिले हो जाता है, देर देर में आंसर आपको बताना पड़ता है, वरना मैं बड़ी जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ और अच्छी होती है। अब मुझे बताइएगा प्लीज़ कि आप चाहते हैं कि मैं इसको आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ या नहीं, और आपके कितने सेंटेंसेस सही गए, आप का नोट करते रहा कीजिए, और आप मुझे शुरू से नोट करके ही बताइएगा एक बार कि कितने सही गए। अपना ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में मिलूंगा, अगली क्लास में एक ज़बरदस्त टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो अगली क्लास में उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।